जी सर, सरकार द्वारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन कर दिया गया है। प्लास्टिक अब बाज़ारों में अब उसके ऊपर प्रतिबंध लगता हुआ नज़र आ रहा है। दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी निर्देश जारी होने के बावजूद भी देखा जा रहा है बाज़ार में उसी तरह से प्लास्टिक खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय? नमस्कार, मैं राकेश पांडे, जनरल सेक्रेटरी ऑफ कालचीनी ब्लॉक चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इस मीडिया के माध्यम से, आपका चैनल के माध्यम से सभी व्यापारी वर्ग को, कालचीनी ब्लॉक को, पूरा जयगांव के जितने व्यापारी है सभी से निवेदन करेंगे। हम लोग का कर्तव्य भी है और हम लोग का फर्ज बनता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के निर्देश का पालन करें। और प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसे ही खतरनाक चीज़ है। इसके पहले भी कई बार ये हुआ था, बैन करने के लिए पहल भी हुआ, हमारे व्यापारी लोग माने भी, उसके बदले में वो प्लास्टिक कपड़ा वाला झोला यूज करने लगे। बीच बीच में थोड़ा फिर ढीला पड़ गया और फिर प्लास्टिक का यूज शुरू हो गया। लेकिन सभी से निवेदन करेंगे कि वो सिंगल यूज जो प्लास्टिक है, जो गवर्नमेंट ने बैन किया है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है और उसका सभी आदमी पालन करें। उसके जगह कपड़ा का जो झोला आता है उसको यूज करें, क्योंकि वो नहीं तो जलाने से होता है, जलाने से भी उसका जो धुआं है वो हानिकारक है और वो सड़ता भी नहीं है, वो सड़ता नहीं है, जहाँ जाएगा वो पहुँच जाएगा, वो नुकसानदेह ही है। तो हम भी निवेदन करेंगे ये गवर्नमेंट के जो सर्कुलर आया है उसको सभी आदमी पालन करें और एक दूसरे को भी इसकी जानकारी दें, जो भाई को इसका जानकारी नहीं है उसको भी जानकारी दें कि भाई प्लास्टिक गवर्नमेंट से बैन हो चुका है, प्लास्टिक हम लोग को यूज नहीं करना है। आपस में तालमेल करके, कस्टमर भी आता है प्लास्टिक मांगता है तो कस्टमर को भी आप समझाइए ये प्लास्टिक हम लोग नहीं रखते हैं, प्लास्टिक बंद हो गया है, तो इसको थोड़ा सा अमल में लाइए, क्योंकि हम ही लोग का कर्तव्य है, हम लोग का ही काम है इसको ये करना। हम लोग जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, उसको पालन नहीं करेंगे तो कौन पालन करेगा? जब हम लोग पालन करने लगेंगे तो कस्टमर ऑटोमेटिक क्या है, जो झोला यूज करने लगेगा या अपना घर से झोला लाएगा सामान लेने के लिए, तो धीरे 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 बैंड हो जाएगा। और सरकार का भी पहल रहेगा, सरकार भी इस पर ध्यान देगा, तो दोनों, सरकार और पब्लिक दोनों का मिला जुला जब होगा तो ज़रूर ही कोई ना कोई कानून उसको सक्सेस होता है, लागू होता है और सबके हित में है, ये तो सबके हित में, सबके भलाई के लिए। जी सर, देखा जा रहा है अभी भी लोगों को, लोग जागरूक नहीं है, उन्हें शायद पता भी नहीं है कि बैन हो चुका है, काफ़ी लोग शायद न्यूज़पेपर या सर्कुलर जो आदेश जो जारी हुआ है उनको पता नहीं है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से भी इस तरह की कोई माइकिंग नहीं है और लोकल एसोसिएशन, अगर कह ले व्यवसायी एसोसिएशन जो भी सारे हैं, उनके तरफ से भी कोई इस तरह का सर्कुलर व्यवसायी वर्ग या लोकल में कुछ इस तरह का जारी नहीं होने के कारण कुछ ऐसा दिख रहा है, तो इस विषय में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, पहले भी इसका सर्कुलर सारे संस्थाओं ने किया है और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का जैसे ही नोटिफिकेशन आया तो हमारे लोकल बॉडी जो जो जिसको ऑथराइज किया गया है गवर्नमेंट के तरफ से, वो सारे लोग अपने तरफ से एक एक लेटर इशू किए हैं अपने क्षेत्रों में। जैसे जयगांव क्षेत्रों में JDA के द्वारा एक लेटर कल ही इशू हुआ है प्लास्टिक बैन के लिए, सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए। उसका सभी संस्थाओं ने अपने अपने ग्रुप में, अपना एसोसिएशन में लेटर इशू किया है, जारी किया है और सभी लोग रिक्वेस्ट किए हैं ये प्लास्टिक को बंद करें, प्लास्टिक का, सिंगल यूज प्लास्टिक का पालन करें, गवर्नमेंट के निर्देश का पालन करें। और धीरे धीरे जहाँ तक रहा जागरूकता का, अवेयरनेस का, तो धीरे धीरे जनता को जब पता चलेगा कि ये हानिकारक है, ये चीज़ हम लोग का बहुत ही हानि करेगा, इसको यूज नहीं करना है, यूज करने से बहुत नुकसान है, तो धीरे धीरे पब्लिक जागरूक होगा। और ये मीडिया का बहुत बड़ा इसमें रोल है, मीडिया का ऐसा रोल है जो मीडिया के माध्यम से कोई भी चीज़ जाता है, कोई भी चैनल में चलता है तो उसका 60-70% लोग पालन करते हैं। जैसे और स्टेटों में, कई कई स्टेटों में कई कई चीज़ का बैंड है तो मीडिया के माध्यम से ही पता हम लोग को चलता है जो फलाना जगह ये बंद है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये स्कीम आया, स्टेट गवर्नमेंट का ये स्कीम आया। और सारे जितने हमारे एसोसिएशन है, संस्था है, संघ संस्था, सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, कल ही आया है तो कुछ दिन में देखिए इसको देखने को ज़रूर आएगा। जी